श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येनवरोहक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे जीवन धन गोविंद अपने प्रिय सखा बृहस्पति के शिष्य बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके जीवन मुक्ति का सच्चा रहस्य बता रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने श्री उद्धव जी महाराज को हंसोपाख्यान सुनाया है। जब समकादियों के मानस में जिज्ञासा जगी, ये हमारा चित्त विषयों में जाता है, विषय चित्त में आ जाते हैं, बार बार पुरुषार्थ करने के बाद भी इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिल नहीं पाती, इसका क्या कारण है, इसका निवारण क्या है, भगवान इस प्रश्न का उत्तर हंस रूप धारण करके दे रहे हैं और हंस रूप धारण करके यह बताना चाहते हैं, जब तक प्रश्न का मूल समझ में नहीं आएगा तब तक प्रश्न का निवारण नहीं हो पाएगा। भगवान ने यहां दिव्य संदेश दिया है जिसकी चर्चा हम कतिपय दिवसों से कर रहे हैं। भगवान इसमें जीव के पहले स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जीव के स्वरूप का वर्णन करने का कारण क्या है, भगवान जानते हैं। ये प्रश्न करने वाले लोग तत्व जिज्ञासु हैं, ये प्रश्न करने वाले महापुरुष लोग मोक्ष के अभिलाषी हैं, इन्हें संसार प्राप्त नहीं करना, इन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं करना है, इन्हें मोक्ष प्राप्त करना है और निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति एकमात्र ज्ञान से ही होगी। ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष की प्राप्ति दूसरे साधन से नहीं हो सकती है, इसलिए भगवान इन श्रोताओं को दृष्टि में रख करके, इन जिज्ञासुओं को दृष्टि में रख करके यह प्रवचन दे रहे हैं। यावन नानार्थ धी पुंसो न निवर्तते युक्ति भी जागृत्यपि स्वप्नवन अज्ञः स्वप्ने जागरणम यथा। भगवान कह रहे हैं कि जब तक युक्तियों के द्वारा व्यक्ति अपनी नानार्थधि की निवृत्ति नहीं करता है, तब तक वह जागृत में भी स्वप्न के समान ही जीता है। भले वो यह समझता है कि मैं जाग रहा हूं, इस समय जागृत अवस्था में हूं, किंतु वह जागृत अवस्था में है नहीं, वो स्वप्नावस्था में है। जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं, अमुक पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, उसको नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, उस समय स्वप्न देखने वाले को कहां लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। स्वप्न देखने वाला तो लगता है कि मैं सचमुच में जीवन जी रहा हूं,
जागने के बाद उसको लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा था। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बड़ी रसीली बात है। संसारियों की दृष्टि में स्वप्न स्वप्न होता है, किंतु सिद्धों की दृष्टि में ये जागृत भी एक स्वप्न ही होता है। स्वप्न के अतिरिक्त उनके लिए और कुछ नहीं, जागृत भी। संसारियों के लिए जागृत अलग है, स्वप्न अलग है, सुषुप्ति अलग है, किंतु जो सिद्धावस्था में जीते हैं, मोक्षावस्था में जीते हैं, उनके लिए दीर्घ स्वप्न के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जो लोग इस बात का विचार नहीं कर पाते, नानार्थ धी में ही फंसे हुए हैं। महर्षि हमारे नानार्थ धी का अर्थ बड़ा विलक्षण करते हैं, बोले नाना के अर्थ की प्राप्ति की बुद्धि जिसके अचित्त में है। महाराज जी के द्वारा इतना साधारणीकरण अर्थ है, जो नाना से अर्थ चाहता हो, धन चाहता हो, कि नाना हमको अर्थ दे देंगे, तो कल्पना में जी रहा है। उसकी बुद्धि नानार्थ दी है, नाना अर्थ दी। तो हम लोग जो संसार से सुख चाह रहे हैं, नाना माने संसार, जो अनेकानेक रूप में दिख रहा है, एक नहीं अनेक रूप में दिख रहा है, मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में, तटस्थ के रूप में, सुख देने वाले के रूप में, दुख देने वाले के रूप में, अहंता के रूप में, ममता के रूप में, ये सब नाना का विस्तार है जी। बड़ा विलक्षण खेल है तो ये मामा माया का, किंतु दिखता नाना है। है तो ये मामा का, संसार माया का है, किंतु दिख रहा है जो नाना। इसमें जो धी लग गई है अपनी बुद्धि, अर्थात अपने बुद्धि में ये नाना तो दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, बोधोपरांत भी ये मत समझना कि इंद्रियां खराब हो जाएंगी, नाना दिखेगा नहीं। इंद्रियों से तो जो जैसा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका बोध होगा, किंतु बुद्धि में नानात्व तो नहीं होगा। बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय होगा कि एक ही अनेक के रूप में दिख रहा है। और अज्ञानावस्था में निश्चित रूप से बुद्धि नानात्व को धारण कर रखी है, और इसकी निवृत्ति युक्तियों से श्रुति प्रमाण के द्वारा ही होगी। बिना श्रुति और बिना युक्ति प्रमाण के इसलिए युक्त भी निवर्तते। अब भगवान इसके बाद युक्तियां जो दे रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी युक्तियां हैं, भगवान बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में इस बात को बताना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं, उधो आत्मा के अतिरिक्त असत्वात् आत्मनो अन्यथाम भावानाम यत् कृताभिदा गतयो हेदवस्य मृषा स्वप्न दृशो यथा अन्यषाम भावानाम यत् कृता। अपनी आत्मा के अतिरिक्त जो भी भाव हैं या जो भी आपको दर्शित हो रहा है वो असत है। और असत कैसा असत है, असत्वात वह असत है कैसा, बोले यथा स्वप्न दृशो मृषा। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाले को स्वप्न जगत बिल्कुल यथार्थ दिखता है, किंतु होता नहीं है, ऐसे ही अपने आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ आपको ये दिख रहा है नाना, इसकी कोई सत्ता है ही नहीं, बिना हुए ही सब कुछ भास रहा है। और दूसरी ओर यदि दृष्टि डाले तो है तो परमात्मा ही, किंतु उसमें ये जगत भासित हो रहा है।
परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में अपने जागृत में भी आप असावधान हो, इंद्री यदि सही न देख पाए तो हम देखते हैं कई बार ऐसी भ्रांति होती है कि होता कुछ है दिखता कुछ है। रज्जु का उदाहरण तो आप सब जानते ही हैं, मरमरीकी काच का उदाहरण आप सब जानते ही हैं, उसके अतिरिक्त ये कुछ है नहीं। भगवान युक्तियां देते हुए कहते हैं यो जागरे वहिर अनुक्षण मर दियो अनुक्षण दृष्टो अन्यान भूंगते समस्त करणे हृदय तस्त्र दक्षान स्वप्नम सुसुप्त उपसंहरते स एकहा स एकहा। वही एक कौन? आत्मा, परमात्मा। वह करता क्या है? स्वप्ने वही महाराज जागृत का भोग करता। यो जागरे, जागृत अवस्था में जो बाहर आपको दिखाई दे रहे नाना प्रकार के दृश्य, फूल है, पत्तियां हैं, सागर है, नदियां हैं, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी हैं, ये जगत महाराज इसका साक्षी कौन? इसको देखने वाला कौन? इसको आनंद लेने वाला कौन? वह एक परमात्मा ही है। और वही स्वप्न को भी देखने वाला है। और स्वप्न को ही नहीं, सुसुप्त, वो सुसुप्ति आज बहुत गहरी नींद आई, वही देखने वाला है। महाराज याद रखिएगा, ये सब के सब जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये सब त्रिगुण के द्वारा ही बने हुए हैं, आत्मा में कल्पित हैं, और ये त्रिगुण के द्वारा हैं। कल मैंने निवेदन किया था, जागृत अवस्था सत्वगुण प्रधान है और स्वप्नावस्था रजोगुण प्रधान है, सुसुप्ति अवस्था तमोगुण प्रधान है। ये त्रिगुण की ही संरचना है। मा त्रिगुण वृत्ति दृगेंद्रि वेश, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। और आप इस बात को निश्चित रूप से सब जानते हैं, युक्ति से समझ सकते हैं। कल मैंने निवेदन किया था, ये अवस्थाएं एक दूसरे में नहीं रहती हैं, किंतु इन सभी अवस्थाओं में एक रहता है, जो जागृत का साक्षी है, स्वप्न का साक्षी है, सुसुप्ति का साक्षी है, वही एक है। उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा है नहीं। एवं ब्रह्मस्य गुणतो मनस अवस्था मन माया मयि कृता इति निश्चितार्थः। भगवान कह रहे हैं ये जो आपको सृष्टि दिख रही है, एवं ब्रह्मस्य, आप इस पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? ये जो भी आपको निश्चित दिख रहा है, चाहे वह जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्नावस्था हो, चाहे सुसुप्ति अवस्था हो, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, सब भगवान की ही मन माया मयी कृता। मन माया कृता से काम बन सकता था, किंतु मन माया मयी कृता शब्द का प्रयोग है, मेरी माया ने मेरे में ही किया है। ये मयी कृता का अर्थ यही है, मेरी माया ने ये मेरे में ही किया है, वह कहीं अन्य से नहीं कर सकती है। जो कुछ दिखाई कर पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, माया दिखा रही है, वो सब मेरे में ही कृता किया हुआ है। इति निश्चितार्थः, भगवान मानो कहना चाहते हैं कि ऐसा निश्चित कर लो, संशय मत रखो। ये जो कुछ भी दिख रहा है सब भगवान की माया के द्वारा कृत किया हुआ है। और माया माने जादू का खेल। जादू का खेल का अभिप्राय होता कुछ नहीं, दिख रहा है सब कुछ। एक बार एक संत ने, पूज्य स्वामी श्री योगानंद जी महाराज ने, झारखंड में हमारी कथा करवाई,
उनके एक शिष्य थे कृपा पात्र, अभी तो नहीं रहे, वो हमारे पास आकर के बोले कि महाराज यहाँ इस शहर में हमारे रिश्तेदार लोग हैं, आप सायंकाल वहाँ चलो, प्रसाद वहीं पाएंगे। तो स्वामी जी बोले कि मैं तो जाऊंगा नहीं, आचार्य जी को ले जाओ। मेरा जाना हुआ, किंतु भोजनोपरांत जब बैठे थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठित हो गए, लगभग 50 लोग होंगे परिवार के लोग। अब वो खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले कि ये स्वामी जी देखने में तो बहुत छोटे उम्र के हैं, किंतु इनमें जादू बहुत है, चमत्कार है। जो इनको प्रणाम करेगा, इनके प्रणाम से महाराज पैर के अंगूठे से चांदी का रुपया निकलता है। हमने सोचा यहाँ तो चांदी का क्या, लोहे का भी नहीं निकलता है, ये कहाँ फंसा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और हमारे पास आकर खड़े हो गए, प्रणाम करके जो व्यक्ति खड़ा हो तो हमारे पैर के अंगूठे में ऐसे हाथ लगाते तो चांदी का रुपया आ जाता था और सबको बांटते रहे। मैं भी बड़े गौर से देख रहा था कि मामला क्या है, ये चमत्कार हमारे में तो है नहीं, ये आ कहाँ से रहा है, कैसे दे रहे हैं। उन्होंने देख लिया था कि लगभग 50 लोग हैं यहाँ। सबको देने के बाद बोले कि बस अब वो सिद्धि समाप्त हो रही है। मैं वाहन से आने के बाद एकांत में मैंने बोला, हमने कहा ये झारखंड है, हमको पिटवाना चाहते हो क्या? तो बोले क्यों पिटवाना चाहते, हमने कहा कोई पकड़ कर ले जाएगा और पैर को खींचेगा, कहेगा चांदी का रुपया निकलता है, निकलेगा नहीं तो मारेगा, और ये कहाँ से निकाला तुमने? तो बोले कहीं से नहीं निकाला महाराज जी, जेब में लेके गया था। ऐसे तो ये लोग लेते नहीं, हमारे यहाँ क्या बेटियाँ कुछ भी आई है तो बांटना तो था हमको, तो हमने ऐसे बांट दिया। तो हमने कहा निकालते कैसे थे, निकलता तो ऐसे लगता था जैसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक बार निकालने के बाद तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं जेब में हाथ डाल लेता था और ऐसे करके यहाँ चिपका लेता था और यहाँ से ऐसे खिसका देता था। वो ट्रिक था, ये जादू है, ट्रिक है, कुछ नहीं, कोई प्रकट प्रकट नहीं हो रहा है। तो ये जो नाना दिख रहा है संसार, ये कोई प्रकट प्रकट नहीं हो रहा है, ये केवल केवल ट्रिक है इस माया की। और उसी में महाराज ये दिखा देती हैं। और यदि महाराज आपके जीवन में यह निश्चय हो जाए, एकदम दृढ़ निश्चय हो जाए कि ये सारा का सारा जो नानात्व दिख रहा है ये माया के द्वारा ही है, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, तो सारे के सारे संशय कट जाएंगे। संचिद्य ह्राद मनुमान मारा सदुक्ति ही, ये महर्षि ने सदुक्ति को दो भागों में कहा। बुरे सदुक्ति माने संतों की युक्ति, और युक्ति श्रुति और संतों की बातों को प्रमाण मान करके, जो संत कह रहे हैं कि जगत कुछ नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, श्रुति कह रही है कि जगत कुछ नहीं, नाना है ही नहीं, एक परब्रह्म परमात्मा है या मान लीजिए, और एक काम करना है, ये सदुक्ति को धारण कर तीक्ष्ण ज्ञानासीना, ये ज्ञान की तलवार से, ये ज्ञान की तलवार को तीक्ष्ण क्रोश में धार रखो, और ये धार सत्संग में ही रखी जाती है। जैसे आपके पास तलवार तो हो किंतु उसमें धार न हो तो कटेगी कैसे, उसमें धार रखी जाए। तो ये जो हम लोग आकर के गुरुजनों के चरणों में बैठे हैं, सत्संग सुनते हैं, ये अपने ज्ञान की तलवार में धार रखते हैं, और इस ज्ञान की तलवार में धार रख करके सब संशय को काट दें। माँ अखिल संशयार्थिम, और हमारा संशय निश्चित रूप से संशयाधिम, जो ये संशय की महाराज बुद्धि है आपकी, इस बुद्धि को काट दीजिए संतों की युक्तियों के द्वारा और श्रुतियों के प्रमाण के द्वारा, मनन के द्वारा आप इन युक्तियों को लगा करके, सारे संशय को काट करके, आप अपने को आत्मस्वरूप समझ करके, आप शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप हो।
आप सत हो, आप चित हो, आप आनंद हो, इसका चिंतन करें। इक्षेत विभ्रम इदम मनुषो विलासम, दृष्टम विनष्टम अतिलोल मलात चक्रम, विज्ञान केतु मुरुदेव विभाति माया, स्वप्नाधिया गुण विसर्ग कृतो विकल्प। भगवान कह रहे हैं या जो भ्रम है ना, विभ्रम विशेष प्रकार का भ्रम, इसको समझो। इदम मनसः विलासम, ये सारा का सारा जगत मनोविलास है, ये मन का ही विस्तार है। और हम सब देख रहे हैं कि ये सब नष्ट होने वाला है। अच्छा, कई बार होता क्या, जो अलाज चक्र था घुमाते हैं आग लगाकर ऐसे ऐसे, तो परिता लगता है कि आग है, लगी आग एक जगह किंतु दिखती सब जगह, जैसे उसमें भ्रांति हो रही है ऐसे इसमें भी भ्रांति हो रही है। भ्रांति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। भगवान कह रहे विज्ञान में कम, इस विज्ञान को धारण करके इस माया को, जिसमें महाराज ये स्वप्न दिख रहा है, ये त्रिगुणात्मक जगत दिख रहा है, इसको काट दीजिए। भगवान इस प्रकार से श्री उद्धव को समझा रहे हैं। दृष्टि ही दृष्टिम ततः प्रतिनिवर्त निवृत्त तृष्णा, अपने जीवन की तृष्णा का परित्याग करके शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। तूष्णीम, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और भवे निज सुखानुभव निरीह, अपने सुख का अनुभव करो, निज सुख का अनुभव करो। अभी तक हमारा सुख निज सुख नहीं अनुभव करते हैं। हमारा सुख पदार्थ में है, हमारा सुख व्यक्ति में है, हमारा सुख अमुक में है। और निरीह आत्मा का चिंतन करो। संदृश्यते क्वच, महाराज यह विचार कीजिए, उसके अतिरिक्त जो आपको दिख रहा है उसकी सत्ता है ही नहीं है। वस्तु बुद्धियात्यक्तम, उसके अत्र कोई वस्तु बुद्धि है, महाराज वस्तु है ना, उसका त्याग करके, इस भ्रम का परित्याग करके अपने आत्मानुभव का अनुभव करो। देखो, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, जीव के पुरुषार्थ से, ब्रह्मात्मिक के बोध होने के बाद भी ये मत समझना कि किसी को ब्रह्मात्मिक के बोध हो जाएगा तो फिर शरीर नहीं रहेगा। हंस भगवान बता रहे हैं, देहोपि दैव वशकः, ये शरीर जो हमारा आपका है, चाहे ज्ञानी का शरीर हो और चाहे अज्ञानी का शरीर हो, ये दैव वशकः, ये प्रारब्ध के वशीभूत है। जब तक प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर मिला है, जब तक प्रारब्ध है तब तक ये शरीर रहेगा। सुख का प्रारब्ध होगा तो सुख का सर भोगता हुआ शरीर दिखेगा, दुख का प्रारब्ध होगा तो दुख भोगता हुआ दिखेगा, क्योंकि खलु कर्म, जो कर्म किए हैं उसका भोग उसको मिलने वाला ही है। ज्ञानी इसमें फंसता नहीं है, वह जैसे दूसरों के शरीर को देखता है वैसे अपने शरीर को देखता है, जैसे दूसरे को सुखी दुखी देखता है वैसे अपने शरीर को सुखी दुखी देख लेता है। महाराज एक बार जागा हुआ व्यक्ति कहते, स्वप्नम पुनर न भजते प्रति प्रतिबुद्ध वस्तु, एक बार कैसे अलग कर लो। एक बार यदि ये बोध की बात आपके जीवन में आ जाए, तम सप्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योग, अधिरूढ़ समाधि योग, इस समाधि के योग में आप आरूढ़ हो जाओ। जैसे आरूढ़ हो जाओगे तो महाराज स्वप्नम पुनर न भजते, अरे जागने के बाद कोई स्वप्न का चिंतन करता है क्या, और कोई स्वप्न के पदार्थों के लिए रोता है क्या कि हाय हाय हमारा राज्य चला गया, हाय हाय वहां तो मैं राजा था भिखारी बन गया, या भिखारी था मैंने राजा बन गया,
तो जागने के बाद जैसे स्वप्न का चिंत भजन नहीं करता है, वैसे एक बार बोधोपरांत व्यक्ति इस शरीर आदि के संग्रह में परिग्रह में नहीं लगता है। जैसा प्रारब्ध हुआ देखता रहता है उसको साक्षी भाव से। भगवान हंस कह रहे हैं कि ऐसी वृत्ति आपके जीवन में हमारे जीवन में बने। बाद में भगवान कहते हैं मई तद उक्तम वो विप्रा, मेरे द्वारा कहा गया यह ज्ञान, विप्रा शब्द का प्रयोग है विप्रो, यहाँ ब्रह्मा जी के लिए सनकादियों के लिए दोनों के लिए विप्र शब्द का प्रयोग है। बीमाने विशिष्ट, प्राप्ति जिसने कर ली है, विशिष्ट प्राप्ति माने जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, ऐसे महाराज जो विप्र हैं वो कहते हैं कि अरे विप्रो ये जो गुह्य ज्ञान है गुह्यम, महाराज इससे ज्यादा गुह्य ज्ञान होगा नहीं। इसलिए हमारे श्री परमात्मा ने ब्रह्मा जी को जब ज्ञान सुनाया, चतुश्लोकी भागवत सुनाई, तो प्रारंभ में यही कहा कि बहुत गुह्य ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूं, और ये गुह्य ज्ञान ऐसा नहीं है ज्ञान विज्ञान सहितम, ये ज्ञान विज्ञान के सहित है। हमारे श्री सनकादि भी एक सनकादियों को भी हंस भगवान यही कह रहे हैं, और यद सांख्य योग योगयो हो गुह्यम, ये सांख्य के द्वारा भी जाने जाने वाला नहीं और योग के द्वारा भी नहीं, उससे भी ज्यादा गुही। हमारे महर्षि कहते हैं कि सांख्य में प्रकृति पुरुष का विवेक है और योग में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वहां तो विषयों से चित्त वृत्ति का निरोध करना है, यहां चित्त वृत्ति का निरोध नहीं करना है और न प्रकृति पुरुष का विवेक करना है। ये जो ज्ञान है इतना गुह्य ज्ञान है, और महाराज ये निश्चित रूप से जानीतम आगतम यज्ञम, भगवान कहते हैं तुम समझ जाओ मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं साक्षात विष्णु हूं, मैं साक्षात यज्ञ हूं, मैं कोई सामान्य पक्षी नहीं हूं, और तुम्हारे ऊपर करुणा करके आया हूं। जानीतम आगतम यज्ञम, यज्ञम आगतम, साक्षात भगवान यज्ञ रूप आए हुए हैं, साक्षात भगवान आए हुए हैं। युष्मद धर्म विचक्षणाः, जो तुम लोग धर्म विचक्षण हो उनके लिए विशिष्ट धर्म, ये विशिष्ट ज्ञान बताने के लिए हम आए हुए हैं, ये गुह्य ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है, और निश्चित रूप से यदि तुम इसको प्राप्त कर लिए हो, चिंतन करो इसका, अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य वर्तस्य तेजसः परायणम द्विजश्रेष्ठाः श्रियम कीर्तिदम नस्य च। इसमें महाराज भगवान ने कहा कि जो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, योग सांख्य सत्य रित मधुर भाषण तो हैं, तेज श्री कीर्ति दम इंद्रिय निग्रह, इसमें सब अधिष्ठित हैं, इसमें सब समाये हुए हैं। और बाद में भगवान कहते तुमने पूछा था कि मैं कौन हूं, अब मैं अपना परिचय बता रहा हूं। को भवान इति प्रश्न जो तुम्हारा था, माम भजन्ति गुणाः सर्वे, जितने गुण हैं सब मेरा भजन करते हैं, किंतु मैं निर्गुण हूं, गुण मुझे चाहते हैं किंतु मैं गुणों को नहीं चाहता हूं, गुण हमारा भजन करते हैं किंतु हम गुणों का भजन नहीं करते, गुण हमें प्राप्त करना चाहते हैं किंतु हम गुणों को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। निर्गुणम निरपेक्षकम, यहां किसी से अपेक्षा कोई नहीं है किंतु ये सब चाहते क्यों आपको हैं। बोले सुहृदम प्रियम आत्मानम, मैं सबका सुहृद हूं, सबका प्रिय हूं, सबकी आत्मा हूं, और सम्यक मारा सब में समाया हुआ हूं, ये कोई गुण हमारे में नहीं है किंतु सब गुण हमारे की ओर दौड़ते हैं। निर्गुणम निरपेक्षम सुहृदम प्रियम आत्मनम साम्य असंगम आदि गुणों से मैं परिपूर्ण हूं, इस रूप में मुझे जानो।
बाद में भगवान इति में छिन्न संदेहा मुनयः सनकादयः, भगवान श्री उद्धव को कहते हैं कि सनकादियों का संशय क्षीण हो गया। और जब सनकादियों का संशय क्षीण हो गया तो सभा जित्वा परया मत्तान अनुग्रहण संस्तवई ही, इन सब ने महाराज भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया। इसलिए हमारे यहाँ ये शास्त्र सम्मत वार्ता है कि तीन सदा वंदनीय है, ईश्वर, शास्त्र और गुरु। बोधोपरांत भी तीनों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति आदि की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वह ईश्वर रूप में ही बननी है। तो यहाँ तो साक्षात भगवान खड़े हैं सामने और सबके चित्त को आकर्षण करने वाले। तैरहम पूजित सम्यक संस्तुतः परमर्श भी प्रत्ययाय सुखम धाम पश्यत परमेष्ठिनः। भगवान श्री उद्धव को कह रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, सनकादियों के द्वारा मैं पूजित हो करके, उनके द्वारा स्तुति को प्राप्त करके स्वकम धामम प्रति अपने धाम को महाराज चले गए। पश्यतः परमेष्ठिनः, सनकादियों के द्वारा देखे जाने पर भी वह भी दर्शन कर रहे थे, ब्रह्मा जी महाराज दर्शन कर रहे थे। इस प्रकार से महाराज यह प्रश्न का उत्तर देते हुए मानो कहा कि इस ज़्यादा झमेले में मत पड़ो कि विषय मन में आ रहे हैं कि मन विषय में जा रहा है, ये विषय मन दोनों ही प्रकृति हैं और तुम दोनों के प्रकाशक हो। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने इस प्रकार से यहाँ दिया है और ये अध्याय अब यहीं पूर्ण होता है। आज मैंने कई श्लोकों का अनुवाद ही किया है क्योंकि मेरा मानस था कि अध्याय इस सत्र में यहाँ पूरा हो जाए, कम से कम इस सत्र में अध्याय की पूर्णाहुति हो जाए। यह 13वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ है, अब 14वां अध्याय जब संयोग सजेगा भगवत कृपा से महाराज श्री के चरणों में पुनः यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आज निकलना भी है और परसों से एकादिवसीय 11 दिवस की कथा, एकादश दिवस की कथा रखी गई है दोनों टाइम की, उसका आनंद लेना है। महर्षि के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ या उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।